युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड राज्य ने लगातार युवाओं के उन्नयन के लिए, खेलों को बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, इस विधानसभा क्षेत्र में जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम इन्हीं के क्षेत्र में होते हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री जितेंद्र सोनकर जी एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी हमारे अतिथिगण इस युवा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी लोक कलाकार, सभी रंगकर्मी, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, हमारे युवा मंगल दल, महिला मंगल दल एवं समस्त युवा महोत्सव में भाग लेने वाले हमारे सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज इस भव्य महोत्सव के लिए और इसके आयोजन के लिए, जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही बृहद स्तर पर आज पूरा पंडाल, इसके अंदर अनेकों टेंटों में अनेक प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही भव्य और बहुत शानदार उत्साहवर्धन करने वाला इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही युवा महोत्सव में जो हमारे चयनित कलाकार हैं और उनके दल हैं, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आपसे प्रेरित होकर प्रदेश के अधिक युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और अच्छे काम करके वो हम सबको गौरव प्रदान करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाके नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में सफल होने वाले जो कलाकार हैं वो महाराष्ट्र में इसी माह शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में, जिसके बारे में अभी रेखा जी बता रही थी, 12 तारीख को हो रहा है, उसमें हमारे राज्य का, देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये सभी प्रतिभाशाली कलाकार महाराष्ट्र में भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और हमारे प्रदेश का नाम, देवभूमि का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम है यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है और यह थीम हमारे राज्य के जो युवा हैं उन पर बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा अब रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। आपने देखा होगा विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे युवा नौजवान आज अनेकों माध्यमों से जो स्वरोजगार को अपना रहे हैं, जहां स्वरोजगार को अपनाकर अपने रोजगार को स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि युवाओं को अपने उद्यमों को विकसित करने के लिए जो तीन मुख्य अवयवों की आवश्यकता होती है, उसमें पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव, यानी कि उनके साथ कितनी आत्मीयता है, कितना आपका तालमेल है, कितनी आपके साथ उनकी स्वीकारता और आपस में मेल मिलाप है, तो आपके पास पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव होगा तो आप नौकरी पाने के साथ साथ ये जो
हम नौकरी देने वालों की बात कर रहे हैं, वो नौकरी देने वाले भी आप बन सकेंगे, यानी कि रोजगार के साथ साथ लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में जो भाग लेने के लिए हमारे ब्लॉक स्तर से युवा प्रतिभाओं को अवसर मिले हैं, और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं आई हैं उनको एक अपना एक मंच उनको मिला है, और उनको विशेष रूप से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिससे ग्रास रूट लेवल पर हमारे प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, सामान्य परिवारों में जो पैदा हुए हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान हैं बल्कि बहुत परिश्रमी भी हैं, बहुत मेहनती हैं। मेरे युवा मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश का या राज्य का जो भविष्य है वो आप सब पर निर्भर है, आप सबकी शक्ति पर निर्भर है, आप सबकी प्रतिभा और आप सबकी परिश्रम पर निर्भर है। आप लोग ही आने वाले समय में पूरे देश की ताकत हैं। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो युवा शक्ति है, और हमारा देश एक युवा देश है क्योंकि आज भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है, यानी कि जन भी युवा है और मन भी युवा है, भारत में सामर्थ्य से भी युवा है और भारत अपने सपनों से भी युवा है, भारत अपने चिंतन से भी युवा है और भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है और भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारतवर्ष वह देश है जिसकी जो प्राचीनता है उस प्राचीनता में भी नवीनता है। भारत वह है जो सनातन के साथ चला है, और सनातन वह है जो पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहने वाला है, हमेशा चलने वाला है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है, इसलिए भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज़ मानती है। आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत का अनुसरण कर रही है, भारत के रूप का इंतजार कर रही है। आज का भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य भी उसमें दिखाई देता है। साथियों, भारत के पास दो असीम ताकतें हैं, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास इतनी युवा शक्ति होती है उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है, और भारत के पास सौभाग्य से जहां डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी दोनों ही हैं, वहीं भारत के पास हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, और उस नेतृत्व में आज न्यू इंडिया का मंत्र है जिसमें ये संकल्प है कि मुकाबला करो और जीतो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है जिसकी नींव आप सभी युवा हैं। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात सभी युवाओं की आकांक्षाओं और जो उनकी चुनौतियां हैं वो भली भांति हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं, और हम भी उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को आज अंगीकार करते हुए अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ाना है। आज का नया भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने युवाओं की सहायता के लिए और उनके सहयोग के लिए, उनके उन्नयन के लिए हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के भी अपने सभी युवा नौजवानों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि हम आपके साथ किसी स्तर पर भी कहीं पर कोई अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, आपकी योग्यता क्षमता और प्रतिभा से किसी प्रकार का कोई भी जो है समझौता हम नहीं करेंगे। हमारी सरकार में जहां अभी आप सुन रहे थे भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके ये दिखा दिया कि राज्य में पहली बार इतने बड़े स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। आज राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। हम युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार इसके अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिसके लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हम राज्य में स्पोर्ट कल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए जहां एक और नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में भी खेल कोटा पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 3900 से अधिक उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी है। प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश में होने वाली आगामी जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए, ये एक बहुत बड़ा अवसर होने वाला है और आने वाले समय में खेल प्रतिभाओं के विकास के क्षेत्र में भी ये विकास का मील का पत्थर भी ये जो राष्ट्रीय खेल है ये हमारे लिए साबित होने वाले हैं। इस खेलों के आयोजन के लिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, हमने विभिन्न स्थापनाएँ सुविधाएं तैयार करना प्रारंभ कर दिया है, उसके कार्यक्रम भी हमने शुरू कर दिए हैं। अभी माननीय मंत्री जी से हम चर्चा हो रही थी कि जल्दी हम इस पर व्यापक समीक्षा आगे बढ़ाकर इसकी सारी तैयारियों को भी आगे का जो अच्छा खेलों की दृष्टि से जो व्यवस्थाएं करनी है उनको शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन किया गया है, जिससे इन खेलों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। मेरे युवा साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमें अपने युवाओं और जो उनकी प्रतिभाएं हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे युवा नौजवान आज राज्य के अंदर ही नहीं, देश के अंदर जाकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का नाम रोशन करने वाले, वहीं आने वाले समय में वो देश का भी नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के युवा प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ सरकार के साथ पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे, और जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उस दिशा में भी वो अपना योगदान देंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे देश के अंदर इस युवा महोत्सव आयोजित हो रहे हैं और हम सब लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सभी युवाओं नौजवानों को, जो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति का भंडार है। वो जो भी करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे या जिस प्रकार के कामों को वो करने का संकल्प ले ले, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, वो अनंत है। मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, और केवल उसको स्वयं को जानने की आवश्यकता होती है, स्वयं को समझने की आवश्यकता होती है। कहते हैं, ए मनुष्य निज को तू जान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, ए मनुष्य निज को तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। तो निश्चित रूप से हम सबको स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, और पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे नौजवान आज हर क्षेत्र में
आज आगे बढ़ रहे हैं। कभी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसमें जय अनुसंधान जोड़ा है। और नौजवानों से मैं कहूँगा कि नवाचार को अपनाते हुए, परिश्रम करते हुए और किसी प्रकार के अपने संकल्प में विकल्प न लाते हुए, यानी कि संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि का रास्ता है। और हमने अपने जीवन में अगर कोई चीज़ तय कर ली और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पर हम परिश्रम कर रहे हैं, संकल्प लेकर हम लगातार अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए भगवान की कृपा भी हम पर होगी और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जो कार्य हमने हाथ में लिया है हम उस कार्य में सफल होंगे, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, हम उद्देश्य की अपनी पूर्ति करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस अवसर पर दो घोषणाएं भी यहाँ पर मैं आप सबके समक्ष कर रहा हूँ कि विकासखंड कार्यालयों में युवाओं के कौशल विकास हेतु विवेकानंद यूथ कौशल विकास सेल बनाया जाएगा। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के प्रभावी उपयोग हेतु तथा आवश्यक संसाधन इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को युवा महोत्सव की, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।